अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल दिल से कराची। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यार आप लोग भी सोचने लगे होंगे कि मैं भी डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ। नहीं 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 सर, मेरा एक मसला चल रहा है कुछ दिनों से जो हल नहीं हो पा रहा। मैं सोचा यार बैठे बैठे की वीडियो बना लेती हूँ, क्या पता मुझे आप लोगों से हेल्प मिल जाए, आप लोगों की कोई मशवरा दे दो। उससे पहले मैं शेयर करने लगी हूँ बीच वीडियो में, उससे पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, सब जो भी वीडियो देख रहे हैं यार, अगर आप लोगों ने भी अपने घर में पौधे रखे होते हैं उनमें का ख्याल रखते हो तो यार इस गर्मी इतनी धूप में मैंने भी रखे थे, बहुत जल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। मैं वीडियोस देख के यूट्यूब वगैरह पे फॉलो कर रही हूँ, बट इससे मेरे पौधे चले जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पौधे रखे हैं और उनका ख्याल रखते हो तो मुझे कमेंट में या फिर इंस्टा पर जाकर प्राइवेट मैसेज जरूर करके आप लोग किस तरह से ख्याल रखते हो कि वो अभी तक बिल्कुल ठीक है इतनी धूप इतनी गर्मी में भी। तो चलें फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे पौधों का क्या हाल हो रहा है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रहम आ जाता है। ये रहे वो मेरे प्यारे से पौधे जिनके पत्ते जल के झड़ चुके और जो बचों के हैं वो भी जलते जा रहे हैं। ये चक्कर इसकी लग रही है, बीच वाली काली होती जा रही है और नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। और इसके अलावा ये वाला चक्कर, इसको देख के तो आप लोगों को भी रोना आ रहा होगा, ये बहुत खिला मिला सा पौधा था, अब जल के बिल्कुल लकड़ी बन चुका है। और यार अगर आप लोगों को पता है आप लोग किस तरह से ख्याल रखते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने पौधों का किस तरह से ख्याल रखते हैं, ताकि मैं भी इसका ख्याल रखूँ, ये बेचारा दोबारा से ज़िंदा हो जाए, इसके पत्ते वत्ते निकल के आ जाएँ। और ये तो खैर, ये तो बेचारा जो है हरा भरा सा है। अभी वीडियो बंद करने लग गई बुराक खान की वजह से, और बुराक खान जो अभी भी रो रहा है। चलो कंटिन्यू कर। हे बुराक, मोहम्मद बुराक, सर उठाओ सर उठाओ। ब्लॉग को टाइम देने के बाद मेरा आ गया था एक पार्सल, चलो उसको खोल के देखते हैं कि उसमें चीज़ें सही है भी क्या नहीं। क्या पता चीज़ कुछ और आ जाए। मैं आ रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ। हाँ तो आ रही हूँ। अब जितनी धूप है इतनी गर्मी है, सही बोल रही है। आप लोगों के ऊपर छत पे पानी रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस मौसम में परिंदे बेचारे मर रहे होते हैं गर्मी में। और वैसे मुझे लगता था कि परिंदे यार नहीं आते, रात में लिटरली गई ऊपर छत पे तो मैंने देखा कि हमने पानी डाला हुआ था उसमें, तो जो कवे हैं कवे आकर ना वो पानी पी रहे थे। मैंने कहा यार ये तो कवे पानी पीते हैं, परिंदे पानी पीते रखना क्या। मैंने सोचा यार आज के बाद जो है ना मैं भी जो पानी खुद भी डाल के आया करूँ, थोड़ा सा मैं भी सवाब ले लूँ, पूरा यही ले जाती है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अगर बस कलर का जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कलर का फ़र्क आ जाता है 19-20, बाकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट वही होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ का एक्सपीरियंस होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ से हमें ये चीज़ मंगवाते हुए ये डर नहीं होता कि यार हमने ये मंगवाई है तो चीज़ कुछ और आ जाएगी, बहुत 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 कम होता होगा। वैसे एक तो रेगुलर प्राइस पर हम दो चीज़ें मंगवा सकते हैं, ना फायदे वाली बात, तो वेट किया करें, डिस्काउंट पर मंगवाया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा मैंने, चलिए इसको करते हैं बंद। और बुरा खान का हो गया टाइम, देखते हैं बुरा खान क्या कर रहा है। इस बाबा के पास है, बाबा शायद तिलावत कर रहे थे तो उनके पास लेटा हुआ था, चलिए देखते हैं वो कर क्या रहा है। पीछे मोहन बुरा खान अपने नाना अबू से तिलावत सुन रहा है, वो बैठा हुआ है लेटा हुआ है और तिलावत सुन रहा है। ये बुरा तीन बॉक्सेज है, दिखाओ खोल लूँ।
एनी गेसेस इसमें क्या है? तूने बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत रखा इधर आ। अच्छा ये वैसे ऑर्डर्स लेते हैं, अगर आप लोगों को चीज़ अच्छी लग जाए तो फिर आप भी अपना ऑर्डर दे सकते हो। आज दूसरा ऑर्डर मंगवाया और बाबा बोल रहे हैं कितना खर्चा नहीं किया करो, बहुत खर्चा करते बाबा। ये हम लोग सेविंग करके अपने फिर मंगवाते हैं से ना, फिर मंगवाते हैं। हाँ हमारे गांव में तो ये नहीं, कहाँ से लाएंगे? आपके गांव में अभी आज तक गांव वालों को आ जाएगा बाबा, फिर वो भी मंगवाएंगे। ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे सब कुछ होता है बाबा आजकल, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। और ये जो है ना, मैं खुद सेल और परचेस करती हूँ, तो आप चाहें तो इसका ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ ये कि क्या, अच्छा ये अच्छी बात है। वैसे ये जो है ना, ये खुद ऑर्डर्स लेती है के, तो फिर अगर आप लोग किसी अच्छी लग जाए तो कस्टमाइज चीज़ों के भी और इसके भी। हाँ ज्वेलरी के और कस्टमाइज आइटम्स के। लेकिन सीन ये होता है कि पहले मैं अक्सर जो भी रीसेलर वगैरह होता है मेरे पास, उससे पहले मैं खुद अपने लिए चीज़ मंगवाती हूँ। अगर मैं सेटिस्फाई होती हूँ उससे, उसके बाद उसके ऑर्डर्स लेना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसलिए मैं पहले अपने लिए चीज़ मंगवाती हूँ ताकि आपको अच्छी चीज़ मिल सके। अभी थोड़ा सब्र करो, इसको मैं मुँह से फाड़ूँगी। ये नहीं, कैंची अंदर है और ये नहीं खुल रहा था। वाओ क्यूट, कितने क्यूट से है ना ये। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। एक एक हम जब लेते हैं तो ये 30 रुपीज़ का एक पड़ता है और 100 के 3 पड़ते हैं, तो जब हम बॉक्स लेते हैं तो उसमें बहुत रिजनेबल प्राइस हो जाती है। फिर देखो टॉप्स है। हाँ ये टॉप्स है, इसका पीछे बंद करने वाला तेरा। वाओ ये देखिए, इन्होंने सेपरेट दिए हुए हैं ये। और ये आजकल ये चल भी रहे, इनका बहुत ट्रेंड आया हुआ है ना। लाइक आप पैंट शर्ट के कुर्तियों के साथ, कैजुअल ड्रेसिंग के साथ ये पहन सकते हो कहीं आते जाते। आज के लिए इतना ही था। यस क्या था बाकी चीज़ों के लिए आप अगली वीडियोस का इंतजार करें, अगले ब्लॉग। हाँ, चलें इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। यार दरअसल बात है, किसी घर में बाहर जाकर व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं, और तो सोए डिसाइड कि घर में एक व्लॉग बनाते कुछ नया कर लेते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। प्लांट्स के बारे में जरूर बताएगा। एंड यस, इफ यू नॉट सब्सक्राइब चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।